तो स्टार प्लस का फेमस सीरियल अनुपमा के बारे में हम कुछ ऐसी अपडेट लेकर आएंगे जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, आप सबको पता है कि फूड फेस्टिवल लगा है जिसमें स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट ने पार्टिसिपेट किया है। अब स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट ने पार्टिसिपेट किया है, इस दौरान यशदीप ने कुछ पैसे अनुपमा को दिए कि ये पैसे लो और इससे कुछ जरूरत की सामान होगी, अगर घटती स्टॉल में तो आप लेके आइएगा। अनुपमा वो पैसे लेकर घर आती है क्योंकि इंडिया से आए हुए हैं लीला और साथ में वनराज शाह, और पता चलता है तो अनुपमा आती है जहाँ पे मतलब रात भर गप्पे मारते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, जहाँ पे दोषु भी अब आता है और अपनी कंपनी का मतलब गुणगान करता है। लेकिन अब क्या होता है कि सुबह में जब अनुपमा अपने बैग को लेकर जाती है और चेक करती है कि पैसे कहाँ हैं, इस दौरान उसके पैसे गायब होते हैं। उसने तोशु से पूछा पर तोशु मुकर रहा है, लगातार तोशु से पूछने पे तोशु नहीं बता रहा। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक होता है तो पता चलता है कि वह पैसे तोशु नहीं चुराए हैं। तो देखिए, अब तोशु ने पैसे चुराए, आखिरकार क्यों चुराए, कैसे चुराए? अब जब वनराज शाह ने अनुपमा से पूछा कि तुम मेरे बेटे पे इतने घिनौने इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो, तो अनुपमा ने वनराज शाह को तोशु की पूरी करतूत बताई कि कैसे गंदे लोगों से मिला, पैसे उधार लिए, पैसे खर्च कर दिए और वो लोग तो घर तक आ धमके बंदूक लेकर पैसे के लिए। अब जो है पूरी जब कहानी अनुपमा वनराज शाह को बताती कि कैसे कैसे क्या किया इसने, कुछ दिन पहले अनुपमा ने गुंडे से भी बचाया था, लेकिन तोशु जो है फिर से वो पूरी बात से मुकर रहा था। हालांकि जब वनराज शाह को पता चला कि तोशु अनुज की कंपनी में काम करता है, इस दौरान वनराज शाह ने तोशु पे गुस्सा भी किया और कहा कि तुम मेरी कंपनी में ज्वाइन करो, तुम्हें एक्स्ट्रा मैं दिलवाऊंगा पैसे, जितना तुम्हारी सैलरी वहाँ पे होगी उसे 10% बढ़ा के। पर तोशु ने इनकार कर दिया और कहा कि अनुज की कंपनी बहुत बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, अमेरिका में टॉप 10 में वो शामिल है, वो छोड़कर नहीं जाना चाह रहा है। अब देखिए क्या होता है कि आखिरकार पैसे तो चुरा लिए। अब पहले तो तोशु मुकर रहा था, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो अब इस बात को लेकर तोशु जो है अब मान लेता है और अनुपमा से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है कि मम्मी मुझे माफ़ कर दो, ये मुझे गलती हो गई। लेकिन अनुपमा ने कहा कि सुनो, अभी तक तुमने गलती कर दी, लेकिन इसके बाद अगर तुमने कोई गलती की तो नहीं मैं, नहीं अनुज और किसी भी पर्सन जो भी कोई होगा वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा और मैं पर्सनली तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। तो क्या तोशु अपनी आदतों से बाज आ पाएगा?